Hello, Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum. Dear my viewers and my respectable students, welcome back to our English language channel. Today I am going to teach you about the modal auxiliaries or modal verbs. My dear students, we are gonna learn today about the modal verbs. Ab modal verbs kya hain? Humne seekhna hai ye ke can, could, may, might, will, shall, would, should, ought to, ये जितने भी वर्ड हैं और ought to और must, ये modal verbs हैं या modal auxiliaries इनको कहते हैं. Simple word जो हम कह सकते हैं modal verbs. अब modal verbs वो होते हैं जिनके बाद हमेशा verb की first form आती है. और verb की first form हा वो tense या sentence present में हो, past में हो या future में हो, ठीक है. तो इनके बाद ना ही to आता है, हमेशा verb की first form आती है. जब मॉडल वर्ब्स आते हैं या मॉडल ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज मैंने हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज आते हैं तो फिर ये चेंज होते हैं वर्ब की मेन फॉर्म जो है ना, मेन फॉर्म जो वर्ब है, जैसे यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, ये चेंज नहीं होती. जैसे प्रेजेंट में आई कैन हेल्प यू, आई कैन नॉट कम टू माई वर्क टूडे बिकॉज आई एम सिक टूडे, यहाँ कैन है. जब मैं इसको पास्ट में बोलूँगा आई कुड नॉट गो टू माई वर्क यस्टरडे, यहाँ कैन से कुड हो गया, जबकि मेन फॉर्म जो है गो वही रहेगी. इसलिए द मॉडल वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरीज वो होते हैं जो खुद चेंज हो जाते हैं और मेन वर्ब जो होता है सेंटेंस में वो चेंज नहीं होता. जैसे पास्ट परेंट, जैसे गो वेंट गॉन, ये मेन वर्ब है पास्ट का वर्ब का, तो ये चेंज नहीं होते हैं. अच्छा जी, इसकी दूसरी ये है कि ये क्या क्या एक्सप्रेशन, इनका एक्सप्रेशन क्या है, इनका मीनिंग और किस सेंस में ये इस्तेमाल होते हैं, वी आर गना लर्न टुडे अबाउट देम. फॉर एग्जांपल, ये मैंने अभी इस लेक्चर में, अपने इस लेक्चर में कैन, कुड और मे, माइट, ये दो सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब मैंने दो सेलेक्ट किए हैं ताकि मेरा लेक्चर लंबा ना हो जाए और आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाओ. दूसरे लेक्चर में मैं इंशाल्लाह ताला दूसरे जो हैं विल, शैल, वुड, ought to और must, वो दूसरे लेक्चर में हम सीखेंगे इंशाल्लाह. लेट अस लर्न टुडे, लेट स्टार्ट टुडे. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मॉडल वर्ब्स हैं या मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, ये जो वर्ब्स हैं ये क्या जाहिर करते हैं? अच्छा, रियल लाइफ सिचुएशन में पहले नंबर वन पे एबिलिटी, पावर, परमिशन और पॉसिबिलिटी. अच्छा जी, और ये देखिए मैंने एग्जाम्पल इसकी लिखी हैं, इनको आप कोशिश करें कि ये सेव कर लें और समझने की कोशिश करें. फॉर एग्जांपल कैन और कुड, कैन और कुड, एक तो ये है कि कैन जो है ना प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है. आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड उर्दू फ्लुएंटली प्रेजेंट. अली कुड नॉट गो टू वर्क बिकॉज ही वाज सिक, ये पास्ट हो गया, ठीक है. इसमें यह है कि कैन स्पीक इंग्लिश, दिस इज़ योर एबिलिटी, ठीक है, आप इंग्लिश बोल सकते हो, उर्दू बोल सकते हो. दूसरा ये है अली कुड नॉट, नहीं जा सकता था, कल नहीं जा सका वो स्कूल या कॉलेज या अपने होम या वर्क पे, क्यों, ही वाज सिक, ये पास्ट में आ गया, ठीक है. अच्छा जी, तो ये है उसकी, ये भी इसकी जो है काबिलियत है, ठीक है. अच्छा, बिकॉज ही वाज सिक. अच्छा जी, दूसरे में आता है पावर. बॉडी पावर हो सकती है या गवर्नमेंट पावर होती है या ऑर्गेनाइजेशनल पावर है या कंपनी पावर, किसी भी किस्म की जो पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर भी हो सकती है. उसमें हम क्या करते हैं, मसलन ओनली गवर्नमेंट कैन स्टॉप करप्शन, देख सकते हैं ये प्रेजेंट है. एक तरफ तो सेंटेंस जो प्रेजेंट में आ रहा है, दूसरी तरफ पास्ट में कुड लगाएंगे. पीएम, पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, कुड रूल ओवर द कंट्री पास्ट में. अगर प्रेजेंट में लगाना है तो पीएम कुड कैन रूल ओवर द कंट्री, ओके. सुप्रीम कोर्ट कैन रूल ओवर द कंट्री, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रूल ओवर द कंट्री, ठीक है. अच्छा जी, ये आ गई हमारी पावर. आई कैन फाइट विद यू, आई कैन फाइट विद हिम, ओके. ही कुड नॉट फाइट विद मी, पास्ट में आ गया, ही कुड नॉट फाइट विद मी. यानी कैन और कुड का जो इस्तेमाल है, पहले कैन को हम ये कह सकते हैं कि कैन प्रेजेंट में इस्तेमाल हो रहा है, आपकी बॉडी पावर इस्तेमाल जो हो रही है या आपकी एबिलिटी, काबिलियत या बॉडी पावर. अच्छा जी, दूसरे में जो जो तीसरा जो है, यह जो सेंटेंस है इधर, तीसरा जो इसका पार्ट है, कैन यू हेल्प मी प्लीज़, अब इसकी परमिशन आ गई. देखिए
या कोई पोलाइट रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के लिए हम वुड भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूँकि इस वक्त हमारा सब्जेक्ट है वो कैन कुड है, तो इसलिए हमने सीखना है कि कैन यू हेल्प मी प्लीज़ या कुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब परमिशन के लिए या पोलाइट या एक बड़ी शायस्ता रिक्वेस्ट के लिए, अब अदब अदब रिक्वेस्ट के लिए आप क्या करते हो, कुड इस्तेमाल करते हो प्रेजेंट में, पास्ट में नहीं। कुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, कुड यू कॉल अहमद नाउ प्लीज़, कुड यू हेल्प मी, कुड यू गो विद मी या कैन यू गो विद मी। सेंटेंस में इस परमिशन के हवाले से जब हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कैन और कुड दोनों ही इस्तेमाल हो सकते हैं, हत्ता कि फ्यूचर में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन अभी एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करें। पार्ट नंबर वन क्या है, कैन एबिलिटी, अच्छा दूसरे में क्या आ गया, आपकी ये पावर अख्तियार है, आपके अख्तियार है या चॉइस है, ओके। तो या इसकी आपका अख्तियार और बॉडी पावर भी है, आई कैन फाइट विद यू। नंबर तीन में परमिशन आ गया, ये अब कैन और कुड का इस्तेमाल हो गया, ठीक है, एबिलिटी और पावर और परमिशन। अब दूसरे नंबर पे हमने देखना है कि मे और माइट है। मे और माइट क्या जाहिर करते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन में ये जाहिर करते हैं पॉसिबिलिटी, कोई इम्कान, प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी, ठीक है। अच्छा मे और माइट दोनों इजाज़त के लिए भी, परमिशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पॉसिबिलिटी किस तरह इस्तेमाल हुआ है। देखिए, इट मे और मे नॉट रेन टुडे और टुमारो, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर में मे और माइट दोनों ही इस्तेमाल हो सकते हैं, किसके लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। अब ये जो मैंने इधर लिखा है प्रेजेंट और फ्यूचर, कैन और कुड, कैन जो है ये प्रेजेंट और फ्यूचर में भी इस्तेमाल होता है, अब मे और माइट दोनों ही जो हैं प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा जी, इट मे और मे नॉट रेन टुडे और टुमारो या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर, ठीक है जी। अच्छा, इट माइट और माइट नॉट रेन नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ, यहाँ मैं लिखना भूल गया, रेन, अच्छा जी रेन, ठीक है जी। इट माइट और माइट नॉट रेन नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ या आफ्टर टू डेज या आफ्टर थ्री डेज या आफ्टर थ्री वीक्स या नेक्स्ट समर, कोई भी है, नियर फ्यूचर है या फार फ्यूचर, यानी करीब, जो मुस्तकबिल करीब है या बईद है, दोनों में हम मे और माइट दोनों ही लगा सकते हैं, किस लिए, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब दूसरा जो है, अब फिर देखिए, वेयर इज़ अली टुडे, अली कहाँ है आज, ही मे बी और माइट बी सिक टुडे, ओके। फिर ही मे और मे माइट नॉट कम इवन टुमारो, ठीक है, इवन नेक्स्ट वीक, अब क्या आ गया कि पॉसिबिलिटी आ गई मे और माइट का, ठीक है, दोनों ही इस्तेमाल हो सकते हैं फ्यूचर के, प्रेजेंट के लिए भी और फ्यूचर के लिए। ये आपने कन्फ्यूजन दूर करनी है कि कैन और कुड ज़्यादातर हमारे लिए किस लिए इस्तेमाल करते हैं, एबिलिटी या पावर को इस्तेमाल करते हैं, और मे और माइट को ज़्यादातर हम पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अभी आगे सुनिए, अच्छा जी, मे बी इट विल रेन टूडे, अब दूसरी शक्ल जो इसकी ये है कि हम मे बी इकट्ठा लगा सकते हैं, मे बी इट विल, इस मे बी, जब मे बी को इकट्ठा लिखेंगे एक वर्ड हो जाएगा, ठीक है, तो ये फिर एज एडवर्ब इस्तेमाल होगा, जब इकट्ठा एक वर्ड हो जाएगा ना, इट विल रेन टूडे और टुमारो। अच्छा, मे बी अली इज सिक टूडे, मे बी अली विल नॉट कम टूडे, जब हम मे लगाएंगे, मे बी लगाऊँ तो फिर विल का भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, मे बी अली इज सिक टूडे, अच्छा अली, फिर इस तरह भी लगा सकते हैं, अली मे बी सिक टुडे, अली मे नॉट कम टुमारो, मे बी अली विल नॉट कम, मे बी, जब हम मे बी लगाएं तो ये एक वर्ड बन जाएगा। दूसरी जो एक और एक्सेप्शन है, एक बड़ा एक अहम सा रूल है, जो एम्बिग्विटी है या प्रॉब्लम है, कि मे और माइट के साथ हम इकट्ठा मे नॉट, अलग अलग दो वर्ड बनेंगे, जैसे कैनट कैंट, कुड नॉट कुडंट, हम मे और माइट को हम मेंट या माइंट इकट्ठा एक वर्ड नहीं बना सकते, मे नॉट को एक वर्ड नहीं बना सकते, जैसे मे और बी को इकट्ठा कर दिया मे बी। अच्छा, इसी तरह हम अब जो वर्ड्स हैं मे नॉट और माइट नॉट, इन दोनों को हम कंट्रैक्शन में, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लेके आ सकते, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि बी का जो इस्तेमाल होता है, ये जो बी है, एक्चुअली बी जो है, टू बी जो वर्ड हम लिखते हैं, जैसे ये आप देखें, टू बी, वर्ब टू बी, जब हम लिखते हैं वर्ब टू बी, इससे मुराद होता है इज एम आर वाज वर। टू बी अगर प्रेजेंट में है तो इसका मतलब है इज एम आर, टू बी अगर पास्ट में हम ले जाएंगे तो ये शॉर्ट फॉर्म है, एक कॉमन वर्ड है, किसके लिए, हेल्पिंग वर्ब्स के लिए।
हम अगर टू बी अगर प्रेजेंट में हैं तो ही एम आर, पास्ट में है तो वाज वर, फ्यूचर में है तो विल बी विल शैल, ठीक है। तो टू बी से मुरा होता है हेल्पिंग वर्ब्स जो है, ठीक है। अच्छा जी, तो मेरा ख्याल है इसका आपका क्लियर हो गया कि मे नॉट और माइट, और अब ये दोनों जो हैं कैन और कुड और मे और माइट दोनों ही पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं और परमिशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। पॉज प्लीज। ओके ओके ओके, लेट अस लर्न अगेन प्लीज अबाउट द पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट क्वेश्चन और पोलाइट रिक्वेस्ट प्लीज। एंड द सेकंड थिंग इज द पॉसिबिलिटी, हाउ कैन वी यूज कैन और कुड फॉर द पॉसिबिलिटी। ओके, अच्छा जी, तो सबसे पहले हम देखना है कि मैंने अब कैन कुड को और मे माइट को इकट्ठा कर दिया है ताकि हम इजीली इसको समझ सकें। अब देखना है कि यहाँ एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, मे आई कम इन प्लीज़, प्लीज़ जब आएगा प्लीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब लगाना है तो फिर इसको एंड पे लगाएंगे प्लीज़ को, ठीक है। मे आई कम इन प्लीज़ या कैन आई कम इन प्लीज़, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। येस यू मे और यू कैन, येस यू मे और यू कैन कम। अच्छा जी, उसके बाद देखिए कुड आई बारो योर पेन प्लीज़, अब ये भी एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, ठीक है। या मैं बड़े मुअद्दबाना किसी से आप जब आप रिक्वेस्ट करते हो आप कुड यू कह सकते हो, या वुड भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको मैं सेकंड लेक्चर में सिखाऊंगा कि वुड का इस्तेमाल जो है। ओके, कुड आई बारो योर पेन, कुड यू हेल्प मी प्लीज़, कुड यू ड्राइव मी टू मार्केट प्लीज़, ओके, या कैन यू, यानी कुड और कैन अब परमिशन के सेंस में जब आ रहे हैं तो फिर ये देखिए मे कैन और कुड तीन जो हैं इनको हम परमिशन के लिए, इजाज़त के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसलिए इनको शुरू में इस्तेमाल होगा। अच्छा जी, ये तो क्लियर हो गया कि ये है पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद आ गया पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन और कुड को भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने सिखाया था कि मे माइट खास तौर पर ये पर्टिकुलरली ये पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। अभी जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ आपको वो ये है कि कैन और कुड भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वाई इज़ नॉट अली इन क्लास टूडे, अली आज क्लास में क्यों नहीं है, कहाँ है। एक स्टूडेंट कहते हैं आई डोंट नो, ही कुड बी सिक टूडे, ये देखिए वो आज बीमार हो सकता है, ठीक है। या लुक एट द क्लाउड्स, लुक एट द डार्क क्लाउड्स, ओके, लुक एट द स्काई, इट कुड स्टार्ट रेनिंग एनी टाइम, ठीक है। अब ये दो सेंटेंस हैं, ही कुड बी सिक और दूसरा इट कुड स्टार्ट रेनिंग एनी टाइम, यानी एक है प्रेजेंट में दूसरा है फ्यूचर में। पॉसिबिलिटी जो है, मुमकिन इम्कान जो है, वो प्रेजेंट में भी या फ्यूचर में दोनों में इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो लिहाजा क्या है ये, ही कुड बी सिक टूडे, दूसरे सेंटेंस में इट कुड स्टार्ट, यानी कुड जो है वो फ्यूचर में और प्रेजेंट में दोनों में ही आ सकता है। एक तो कुड का इस्तेमाल है ना, जब हम इसको सकता है, सकते हैं, पावर या एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हो, पास्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब यस्टरडे ही वाज सिक, ही कुड नॉट कम टू द, ही कुड नॉट कम टू वर्क और ही कुड नॉट कम टू कॉलेज एट्सेट्रा। तो उसके लिए तो यह था ना, उसका जो वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही थी तो वो उसकी क्या थी, एबिलिटी या पावर या बॉडी पावर जो। तो अभी हमने देखा कि प्रेजेंट और फ्यूचर में भी कुड इस्तेमाल हो सकता है, जैसे मे और माइट प्रेजेंट और फ्यूचर में इस्तेमाल होते हैं। लिहाजा इसका जो नतीजा ये निकला, इस कंसिक्वेंस या इसका रिजल्ट ये निकला है कि मे माइट और कैन कुड दोनों ही प्रेजेंट और फ्यूचर में इस्तेमाल हो सकते हैं डिफरेंटली। एक तो क्वेश्चन क्या क्या चीज़ मैंने सिखाई है कि एबिलिटी, पावर, परमिशन और पॉसिबिलिटी, ये चार चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट ऑल प्रॉपरली और क्वाइट राइट वेल। ओके, थैंक यू वेरी मच।